अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अलिसबा के रेसिपी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बहुत दिनों के बाद जो है आप लोगों के साथ जर्दा रेसिपी शेयर कर रही हूँ। उसको मीठा चावल भी बोलते हैं और जर्दा भी बोलते हैं। तो आप लोग भी कई बार बनाया होगा लेकिन इस टाइप से नहीं बनाया होगा मेरे तरीके से। मैं अलग तरीके से इसको बना के आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोग जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं हमें किस तरीके से बनाना। इसका बनाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंस है, बिल्कुल अलग है। और जो है घर के चावल में भी आप बना सकते हैं, बासमती राइस में भी बना सकते हैं, सेल्हा चावल, सिल्वर चावल, जो भी चावल हो उसमें आप इसको बना सकते हैं। तो आप जो है मेरे तरीके से बनाइए एक बार, उसके बाद कमेंट में जरूर बताइए। फिर आप खा के देखिएगा, आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। खाने वाले जिसको आप खिलाएंगे वो उंगलियां चाटते रह जाएगा। तो एक ग्यारहवीं के उसमें हमने बनाया था फातिहा दिलाने के लिए, तो बहुत ही टेस्टी बना था, बहुत लाजवाब बना था। इस तरीके का जर्दा मैंने भी पहली बार बनाया था, बनाया तो बहुत बार है पर इस तरीके से मैंने पहली बार बनाया है। तो बनाने का भी तरीका अलग अलग होता है, कोई किस तरीके से बनाता है, कोई किस तरीके से बनाता है, तो सबके डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं हमें किस तरीके से बनाना है। तो आप लोग जरूर बनाइएगा, जरूर जो है नोटिस कीजिएगा, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा हमारे चीजों पे कि किस तरीके से हम बनाते हैं। तो हमने रख दिया भगोना और उसमें डाल दिया है एक गिलास पानी यानी 200 ग्राम, थोड़ा सा नमक डाल दिया है, 2 से 3 चम्मच जो है चीनी डाल दिया। चीनी से क्या होता है कि बिल्कुल चावल जब पकता है तो उसमें पूरा मिठास मिक्स हो जाता है अंदर तक। और इसमें डाल दिया है हमने थोड़ा सा फूड कलर यानी हमने येलो कलर डाला है, आप ऑरेंज भी डाल सकते हैं, अपने पसंद का ग्रीन कलर भी डाल सकते हैं। और हमने इसमें डाल दिया है देसी घी 1 चम्मच भर के। देसी घी से क्या होता है कि चावल जब पकते हैं तो बहुत सॉफ्ट, बहुत मुलायम होते हैं, चाहे ठंडा खाओ चाहे गर्म खाओ फिर भी सॉफ्ट बने रहते हैं। तो इसीलिए हमने जो है देसी घी इसमें डाल दिया है पकने में, उबलने में। और ये हमने लिया था बासमती राइस, सिल्वर राइस है ये, आप गोल्डन में भी बना सकते हैं, सेल्हा में भी बना सकते हैं, लेकिन हम सिल्वर में भी बना रहे हैं। और उसके बाद इसको देखिएगा, एक एक चावल अलग रहेगा, इसी तरीके से जब आप बनाएंगे उबालेंगे तो आपका चावल जो है बिल्कुल सिल्की चमकदार, और उसके बाद बिल्कुल जो है एक एक चावल अलग रहेगा, ना चिपकेगा ना टूटेगा। तो इसका बनाने का बिल्कुल अलग तरीका है। तो चावल हमने भिगो के रख दिया था 1 घंटे पहले, ये 400 ग्राम चावल है और सिल्वर बासमती राइस है इंडिया गेट का, और आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, आप किसी भी कंपनी का, आप घर के चावल का भी बना सकते हैं, रेगुलर जो आप बनाते खाते हैं उसके चावल में भी बना सकते हैं। ये देखिए, तो चावल हमारा जो है 90% तक पक चुका है, हमें इसी तरीके का चावल होना चाहिए। देखिए एक भी चावल नहीं टूटा हुआ है, देखिए दबाने से 2 टुकड़े हो जाते हैं। तो चावल हमें इसी तरीके का रखना है। तो चलिए गैस को हम कर देते हैं बंद अभी और चावल को हम छान लेते हैं। ये देखिए अभी इसमें पानी है तो चावल को हम इसको छान लेंगे। तो चावल छानने के बाद हमने छोड़ दिया था 10 मिनट के लिए, थोड़ा सा ठंडा हो गया था, अगर गर्म बनाएंगे तो चावल बिल्कुल फूट जाएगा, अच्छा नहीं बनेगा। तो ये भगोना फिर हमने वापस से रख दिया है और इसमें डाला है 1 चम्मच के करीब घी, और इसमें डाल देंगे 3 छोटी इलायची और 3 से 4 लौंग। इसको डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे कुछ ड्राई फ्रूट, इसमें हमने लिया छुहारा, गरी और मखाने के कुछ लावे हैं यानी दाने हैं। तो इसको थोड़ा सा हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसको ड्राई रोस्ट करने से क्या होता है कि इसका टेस्ट बहुत अलग हो जाता है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो थोड़ा सा इसको हम निकाल लेंगे और थोड़ा सा उसी भगोने में छोड़ देंगे। तो ये देखिए थोड़ा सा हम निकाल के बाद में इसको हम चावल में डालेंगे। तो इतना हमने निकाला है आधा और आधा उसमें छोड़ दिया है। अब इसमें हम डाल देंगे जो हमने चावल बॉयल करके रखा था। तो ये देखिए एक एक चावल बिल्कुल अलग है, इसमें सारे स्टेज जो होते हैं सब हमने इसको वॉश करके निकाल दिया है। छानने के बाद इसको जो है आप पानी से धुल लीजिए। धुलने से क्या होता है कि एक चावल आपका खिला खिला रहेगा और इसमें जो है
गीलापन नहीं आएगा, ना फूटेगा ना चिपकेगा। तो हमने 400 ग्राम चावल लिया था और 400 ग्राम हमने शुगर लिया है, चीनी लिया है। तो ये देखिए चावल और चीनी का मात्रा इसमें बराबर का होना चाहिए। अगर आप कम मीठा खाते हैं तो चीनी जो है 300 ग्राम कर दीजिए, 100 ग्राम कम कर दीजिए। लेकिन हम लोग जो है बराबर मात्रा में चीनी डालते हैं तो उसकी मिठास बहुत अच्छी आती है। तो सारे चीनी हमने डाल दिया है और सारे चावल भी इसमें हम डाल देंगे और तही लगा के हमने इसको बनाया है। तो सारे चावल और चीनी को हमने तही में लगा दिया है, ड्राई फ्रूट भी डालते चले गए हैं उसी के साथ। अब जो बचा है वो भी हम ड्राई फ्रूट इसके ऊपर से डाल देंगे और उसके बाद जो है इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच देसी घी। देसी घी इसके ऊपर से डाल देंगे, फिर उसके बाद चावल बिल्कुल चमकीला और एकदम बिल्कुल खिला खिला पक के तैयार होगा। तो ये मीठा चावल है, इसको जर्दा भी बोलते हैं, मीठा चावल भी बोलते हैं। सबके अपने अपने तरीके से बोलने का जो है तरीका होता है, भाषा होता है। हमारे यहाँ तो जर्दा भी बोलते हैं, मीठा चावल भी बोलते हैं। गाइज आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप जरूर बताइए। तो इसके ऊपर हम डाल देंगे जो ड्राई फ्रूट हमने भून के रखा था फ्राई करके, वो भी हम इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए कुछ इसमें हम डाल देंगे काजू बादाम पिस्ता ऊपर से, फिर इसको जो है हम 1 चम्मच डाल देंगे इसमें केवड़ा वाटर। अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं स्किप कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा खुशबू और सुगंधित हो जाता है, खुशबू आने लगता है तो देखने में खाने में बड़ा अच्छा लगता है। तो इसमें हम लगा देंगे ढक्कन और गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और 5 से 7 मिनट तक इसको हम लो फ्लेम पे छोड़ देंगे। तो ये देखिए 5 से 7 मिनट हो चुका है, चावल हमारा देखिए और दब गया है अंदर इसके, ये देखिए, और चीनी और चावल का पानी बिल्कुल अलग हो गया है। तो इसको अभी हम पकाएंगे कम से कम 6 से 7 मिनट तक और पकाएंगे। तो ये चीनी बिल्कुल सूख जाएगा, तार बन जाएगा और बहुत ही टेस्टी जो है ये जर्दा मीठा चावल बनके तैयार हुआ था। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि हमारा ये जर्दे का वीडियो, मीठे चावल का वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो प्लीज लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और अभी चैनल पे नए आए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। और हमारा ये मीठे चावल कैसा लगा, मीठे चावल का जर्दा या चावल का जर्दा जो भी बोलिए कमेंट में जरूर बताइएगा। तो बहुत काफी दिनों के बाद हमने ये रेसिपी डाला। तो चलिए वॉचिंग द वीडियो, अल्लाह हाफिज़।